ठीक है, वो कह रहे हैं चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि जब देश की एक बड़ी उपलब्धि है उसमें कोई राजनीति या फिर कोई दल की बात है ही नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में बोलना या फिर प्रधानमंत्री को इससे अलग करके देखना क्यों, ये तो हम देशवासियों की उपलब्धि है। चौधरी साहब देखिए, मेरा मानना ये है, बीइंग ए पॉलिटिकल ट्रेनर, राजनीति तो हर मुद्दे पर होगी ही, क्योंकि राजनीतिक अगर डिबेट ना भी हो और आप प्रवक्ताओं को बुलाएंगे तो ये तो संभव नहीं है कि वो अपनी बात ना रखें और अपनी पार्टी को आगे ना लाएं। और ऐसा नहीं आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, कांग्रेस भी हमेशा ऐसा करती रही है। आप ये देखिए ना कि कांग्रेस आज भी बोलती है कि जितने IIT हैं IIMs हैं वो किसने बनाए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए, और इसमें हमें किसी को गुरेज भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आज नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप है और वो फंड दे रहे हैं तो इसरो काम कर पा रहा है, अगर मान लीजिए लीडर ही सही ना हो, और वैसे भी सेना लड़ाई लड़ती है, नाम सेनापति का होता है, तो इसरो का तो नाम होगा ही, लेकिन इसरो को अगर फंड ही ना दिए जाए, हथियार ही ना दिए जाए, वो सेना लड़ेगी कैसे? तो मैं समझता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी के व्यक्ति को, उनको न्यूट्रल होकर के बात वो कह रहे हैं। हाँ सृजन जी ये जो बात इन्होंने कही, ये अलग अलग पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर पार्टी से जुड़े लोग हैं, एक वैज्ञानिक क्या सोचता है, ये उपलब्धि जब होती है वैज्ञानिक को एक समर्थन मिलना या फिर वैज्ञानिक अपना काम उसी दिशा में वैसे भी कर रहा था? देखिए, एक वैज्ञानिक और विज्ञान का जो समाज है उसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिशन कठिन होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। आपको लगता है कि चंद्रयान के पीछे कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, करते 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 हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, कई बार असफलता मिली होगी। और अभी जब आपको ये लगता है कि आपके देश का जो प्रधान है, जो प्रधानमंत्री है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है वैज्ञानिकों के लिए। दूसरा, ऐसे बच्चों के लिए जो भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, क्योंकि 30 साल बाद मैंने आपको बोला हम चंद्रमा पे जाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो वो लोग कैसे, जैसे अभी एक जो सबसे पहले मैम ने बोला कि मैं चंद्रमा पे जाना चाहती हूँ, 12 लोग चंद्रमा पे गए हैं, उनमें से सब पुरुष थे, शायद आप चंद्रमा पे जाने वाली पहली महिला बन सकती हैं, ये प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा? मैं आपको 3 नाम यहाँ पे लाना चाहता हूँ, हालांकि राजनीति मेरा सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है, 3 वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। पहले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रपति बनाकर के पूरे राष्ट्र में वैज्ञानिक भी सबसे ऊपर पहुँच सकता है ये मैसेज दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। दूसरे वैज्ञानिक हैं नंबी नारायणन, जिनको लगभग 1.5 दशक तक पूरी तरह से यातना के अंदर रखा गया और कोई इनको निकाल के नहीं पाया, अब जाकर के हुआ, 3-4 साल पहले ही वॉज गॉट आउट ऑफ ऑल, जितने सारे केसेस थे वो उससे निकल गए। बिल्कुल। तीसरे वैज्ञानिक हैं चंद्रयान 1 में जो इसरो के चीफ थे, जिनको मैं पाइनियर बोल सकता हूँ भारत के चंद्रयान मिशन का, माधवन नायर जी, और उन्होंने खुद कहा है कि पिछली सरकार में बजट काटने की वजह से ही चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 में जो लगभग इतने सालों का अंतर आया वो इसी वजह से आया, हम जल्दी जल्दी चंद्रमा पर नहीं जा पाए और इस वजह से चीन हमें पीछे छोड़ के चला गया। तो ये बात खुद इसरो चीफ ने कही जो चंद्रयान 1 उन्होंने ही शुरू किया था। तो इन हिस्टोरिक पॉइंट पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए विज्ञान के दृष्टिकोण से।